जोरदार से तालियां बजाएंगे हम संगीत के लिए, क्योंकि संगीत और ध्यान दोनों का जो मिलन होती है उससे बढ़िया चीज सृष्टि में नहीं है। तो बार बार हमें ये जो प्रवचन हम सुनने का है इसे बार बार सुननी है। हर रोज प्रवचन चाहिए हमें, हर रोज ध्यान का अभ्यास चाहिए, हर रोज संगीत का नाद चाहिए, हर रोज सज्जन सांगत्य चाहिए, हर रोज स्वाध्याय चाहिए, हर रोज ऐश चाहिए, समंदर चाहिए। समंदर में के स्नान में जा रहे हैं, जोरदार से तालियां बजाएंगे। हर रोज खेल चाहिए, हर रोज कूद चाहिए, हर रोज रसोई घर भी चाहिए। रसोई घर भी इतना अच्छा बना रहे हैं अपने ओडिशा के मास्टर, तालियां बजाएंगे। सेवा करना कोई मामूली बात नहीं है। जो अपने आप को पूर्णतः पा चुके हैं वही सेवा में मग्न होते हैं, निमग्न। जो अपने आप को अभी नहीं पाए हैं, अपने आप में अधूरे हैं, तो भला दूसरों का सेवा कैसे कर सकते हैं। तो जो लोग सेवा में मग्न हैं, पर्दे के पीछे होते हुए, पर्दे के सामने नहीं, मंच के ऊपर बैठे हुए नहीं, मंच के पीछे, पर्दे के पीछे जो बैठे हुए सेवा करते, उन सारे पिरामिड मास्टर्स को हम तालियां बजाएंगे। आध्यात्मिकता का अर्थ है, अंतिम अर्थ है सेवा। पर्दे के पीछे होते हुए सेवा, हां मंच के ऊपर भी थोड़े लोग रहना ही चाहिए, पर्दे के सामने भी थोड़े लोग रहना ही चाहिए, ताकि जो अन्य लोग अब तक आध्यात्मिकता में नहीं आए उनका उनको थोड़ा सहारा दे मंच के ऊपर भाषण देते हुए, प्रवचन देते हुए। परंतु जो लोग आध्यात्मिकता में पक गए हैं वे सेवा में सेवारत हो जाते हैं, सेवा निरति में रहते हैं, सेवा के पर्दे के पीछे रहना। हम सब इस भूतल में पर्दे के सामने हैं, अपने पर्दे के पीछे, भूतल के पीछे भूवद लोक, सुवद लोक, जनालोक, महालोक, तपोलोक, सत्यलोक इत्यादि लोक अपने पर्दे के पीछे हैं, अपने को नचाते हुए, चलाते हुए, अपने को मार्गदर्शन देते हुए, सूचनाएं देते हुए। तो उन सभी लोगों को जो पर्दे के पीछे जो मास्टर से, सभी को हम ताल। हम कभी कभी पर्दे के पीछे रहते हैं, कभी कभी पर्दे के सामने आ जाते हैं। पर्दे के सामने आना भी सीखना है, पर्दे के पीछे रखना भी सीखना है, हर कुछ सीखना। तो आज का प्रवचन कोई विशेष तो नहीं है, परंतु आज का प्रवचन हमेशा हम लेते ही रहे, दूसरों को बताते ही रहे। सच्चाई एक ही है, तो प्रवचन अलग अलग कैसे हो सकते हैं। हर रोज, हर रोज हमें वही सूरज को देखनी है, वही समंदर में पानी डूबनी है, वही संगीत सुनना है, वही ध्यान करना है, वही सच्चाई का प्रवचन है। तो सभी लोग हाथ ऊपर करिए, मैं भी देखूं। जैसा आप हैं वैसा मैं हूं, जैसा मैं हूं वैसा आप हैं, कोई भिन्नता नहीं है। तो सभी लोग कहिए आज का प्रवचन, जोर से कहिए, तन
मन बुद्धि आत्मा सर्वात्मा बॉडी माइंड इंटेलिजेंस सेल्फ ऑल दैट इज तमोगुण रजोगुण सात्विक शुद्ध सात्विक निर्गुण पृथ्वी तत्व आपो तत्व अनिल तत्व वायु तत्व आकाश तत्व भुक्ति रक्ति युक्ति शक्ति मुक्ति कुंभकर्ण रावण विभीषण बजरंगबली श्री राम यही है। इसे हम हर रोज सीखते रहते हैं, हर रोज अपने आप को बताते रहते हैं। वी आर फाइव थिंग्स, हम पांच हैं। जैसे पंच पांडव होते हैं, हम भी पंच पांड पंच हैं। एक तो एक स्तर पर हम एक जानवर हैं, यानी केवल शरीर और आत्मा तो जानवर, और आगे बढ़कर उभर कर हम एक मन भी हैं, तो हम मानव बन गए हैं। तन से जानवर, मन से मानव, और बुद्धि से देवता बनना है। हालांकि हम देवता नहीं हैं जब तक हम बुद्धि का विकास नहीं होती है, बुद्धि के नहीं हो जाते हैं तब तक हम देवता नहीं। केवल मन के तक ही हम अटक गए हैं, बुद्धि के तक नहीं गए हैं, तो हम केवल मानव हैं। जो बुद्धि के स्तर पर जीता है, बातें करता है, देखता है, सोचता है, हर चीज बुद्धि के स्तर पर, मन के स्तर पर नहीं। मन के स्तर पर बातें ही कर रहे, मन के स्तर पर सोचते ही रहे, तो आप केवल मानव ही हैं। परंतु मन से भी ऊपर उठकर जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, बुद्धि के स्तर पर, अगर बुद्धि कहती है ये सुनने का लायक नहीं, तो भला क्यों सुनेंगे आप? आपकी बुद्धि कहती है आप जो भाषण दे रहे हैं ये तो सच्चाई के विपरीत है, तो आप कैसे भाषण देंगे? अरे बाबा, बुद्धि के अनुसार भाषण देना, बुद्धि के अनुसार श्रवण करें, बुद्धि के अनुसार कोई व्यक्ति को देखें, हम बुद्धि के होते हुए हम किसी चीज के बारे में सोचे, बुद्धि का आकांक्षा हो, मन की नहीं। मन की आकांक्षाओं को हम प्रेयस करते हैं, बुद्धि के आकांक्षाओं को हम श्रेयस करते हैं। तो कभी कभी हमें प्रेयस भी चाहिए, मन के अनुसार भी हमें करना ही चाहिए, परंतु 90% 99% हमें बुद्धि के साथ ही रहना चाहिए, श्रेयस के साथ ही रहना चाहिए। दो चीजें हैं, एक तो प्रेयस यानी जो हम चाहते हैं मन के स्तर पर। लड्डू दिए गए हैं, संजय किंग के घर में कल परसों गया था मैं हैदराबाद में, मुझे लड्डू दिए, झूठ बोल लड्डू, ये खाया, मुझे सब कुछ खाना चाहता, परंतु अगर सब कुछ खाया तो वो श्रेयतम नहीं है, प्रियतम तो है परंतु श्रेयस्कर नहीं है। जितना खाएं उतना भी खाएं, जितना बकबक करें उतना ही बकबक करें, मैं क्यों ऊपर या मैं के पीछे, ज्यादा बकबक नहीं करना। इसीलिए मौन का अभ्यास बताया गया है आध्यात्मिकता में। अरे बाबा, मुंह बंद कर, मुनि बन, क्यों बकबक कर रहा है? आज से 10 दिन कोई बकबक नहीं, मौन, साइलेंस। यू आर टॉकिंग टू मच या नाउ ब्लडी फेलो, यू कीप क्वाइट फॉर द नेक्स्ट 40 डेज, डोंट टॉक। अपने जुबान के ऊपर काबू पाए, मौन, ओनली मौन। रमण महर्षि मौन में थे, जिंदगी भर की मौन। मेहर बाबा मौन में चले गए। हम क्या बकबक करते हैं, क्या है बातें करने के लिए, मुंह से निकालने के लिए? ऐसे लफ्ज आपके पास क्या है, ऐसा सच्चाई क्या है आपके पास? जब तक आप ध्यान में नहीं आते हैं तब तक आपके मुंह से एक लफ्ज भी शोभा के साथ बाहर नहीं आ सकती। Unless you become a Buddha, you cannot speak one word, beautiful word,
वन यू कैन इश्यू वन वर्ड फ्रॉम योर माउथ. तो मौन की पालना आध्यात्मिकता में पहला अभ्यास दिया जाता है, तो चुप बैठ बस मेरे साथ रहना, 2 साल बात नहीं करना, तब ही तो आध्यात्मिक बनेगा. यहां जो जो पिरामिड मास्टर्स हैं, अनेक अनेक पिछले जन्मों में बहुत कुछ मुनि योगी बन चुके हैं ना, तभी तो यहां आएंगे, नहीं तो कैसे आएंगे. मुनि मुनि मुनिवर बने हैं, मुनि श्रेष्ठ बने हैं. मुनि यानी मौन से मुनि. फिर तन के स्थल की स्थिरता बताया जाता है, तो आसन में रहा, ऐसा आसन में कल सुबह तक ऐसे ही रहना, हिलना नहीं, तन के ऊपर काबू. इसे कहते हैं हठ योग. अरे बाबा हिलना नहीं, हिलता क्यों तू, ऐसा बैठा है कल सुबह तक ऐसे ही बैठना, हिलना नहीं कल सुबह तक ऐसा ही बैठना. तो इसे क्या कहते हैं, शरीर के ऊपर काबू, हट योग. मौन योग, बातें नहीं करना, मुनि बनो. अनेक अनेक अनगिनत हमें हम कर चुके हैं पिछले जन्मों में, जैसा अगले हफ्ते तक खाना नहीं, कुछ भी नहीं खाना. तू शरीर है कि नहीं, तू आत्मा है, ऊपर से उठ जा, खाना नहीं, भोजन नहीं, सोच मत रसगुल्ला के बारे में, बस दिया भी नहीं आपको दी जाएगी, आपके सामने रखेगा पर आपके मुंह में नहीं होगा. एक हफ्ता मौन, एक हफ्ता उपवास, एक हफ्ता हिलना नहीं, और त्रातक भी बताया गया. त्रातक यानी देखते रहना किसी चीज को, आंखों के ऊपर काब देखते रहना, त्रातक, त्रातक योग. एकांत योग यानी किसी गुफा में आप अकेले रहना 2 साल, किसी से भी नहीं, कोई मानव संपर्क नहीं, अकेले रहना चाहिए. अब देख लीजिए, अब ऊपर उठें और मन को खाली करें, तो ध्यान योग है. मन के ऊपर काबू, नो सोच, नो थॉट्स. कोई शरीर के स्तर पर हिलना नहीं तो हट योग, मन के स्तर पर कोई लहरें ना हो तो उसका नाम है ध्यान योग, राजयोग, द हाइएस्ट योग, मेडिटेशन. हम तालियां बजाएंगे हाइएस्ट योग के लिए. और ज्ञान योग यानी आप ऐसा जिंदगी जीना है, पति के होते हुए, सती के होते हुए, बच्चों के होते हुए, माता पिता से रहते हुए, शहर में रहते हुए, व्यापारी होते हुए, गृहस्थी होते हुए, आप अपने आप को शरीर ना समझें. हाँ इतने सारे बातें करो, खूब रसगुल्ला खाओ, सब कुछ करो, परंतु आप शरीर नहीं है, आप तो आत्मा है, ना ही कोई दूसरा शरीर है. सब 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 आत्मा के स्तर पर ही सोचे, स्तर पर ही हम जिंदगी पूरा बितावे, तो ज्ञान योग है. ये हम सब ज्ञानी हैं, पिरामिड मास्टर. हम शरीर नहीं, हाँ शरीर में है, शरीर नहीं है. जैसा मैं कुर्ता पहना हूं, मैं कुर्ता नहीं हूं. हाँ पहनेंगे, अगर कोई कहता है तू कुर्ता है क्या, नहीं बाबा मैं कुर्ता पहना हूं, हम देहधारी हैं, देह नहीं.
ये जो शरीर है ये एक मोटर कार के जैसा है, हम ड्राइवर हैं, हम ओनर हैं, हम मोटर कार नहीं। हाँ, मोटर कार में होते हुए हम धरती में संसार कर रहे हैं, शरीर में होते हुए हम पति सती बच्चे माता पिता अड़ोस पड़ोस सबको पाली है। कभी सती बनकर, कभी पति बनकर, कभी माँ बनकर, कभी पिता बनकर, कभी बच्चा, कभी पोता पोती बनकर हम जिंदगी को हर कोण से देखने के लिए हम बार बार जन्म लेते हैं इच्छानुसार, स्वयं की इच्छा हम चुनते हैं। हर जन्म हम प्रणाली का बनाते हैं ऊपर से। संजय कहेंगे अगले जब बार हम जन्म लेंगे आप सिद्धर बजाएंगे, मैं फ्लूट बजाऊंगा, परंतु मुझसे अच्छा नहीं बताना बजाना तो आपका बुरा होगा, देखो ऐसा हम प्रणाली का, परंतु ये आकर मुझसे अच्छा बजाता है तो इसे गालियां दूंगा सबको, अच्छा आदमी है वो, वहाँ का प्रणाली का भूल गया है। अब वो बोलता है तू चुप बैठ, मैं सितार बजाऊंगा। तो हम सब प्रणाली का भक्त है, स्वयं की प्रणाली का भक्त। इस जन्म में पिरामिड मास्टर्स आए हैं संसार को ध्यान बताने के लिए, राजयोग में राजा बनाने के लिए। हम किसी के भक्त नहीं, ना ही हम किसी को हम अपना शिष्य प्रशिष्य बनाते हैं। हम सब बराबर के हिस्से वाले हैं, सारे के सारे गुरु हैं। गुरु का ऑपोजिट वर्ड क्या है, कोई बता सकता है? आप बताइए। नहीं, मुझे मालूम है वो पैसा बोलेंगे। गुरु का ऑपोजिट वर्ड संजय किंगी डॉक्टर, आपको नहीं मालूम, मुझे मालूम है। इसीलिए अब जिसको मालूम है उसके उसे क्यों पूछूं मैं, कैसे पूछ, जिसको मालूम नहीं उसी से पूछूंगा। आप बताइए, आप बताएंगे व्हाट इज द ऑपोजिट वर्ड फॉर गुरु? लघु। तालियां बजाएंगे लघु। गुरु का ऑपोजिट शिष्य नहीं है, गुरु का ऑपोजिट लघु है। ध्यान के पूर्व, आत्मज्ञान के पूर्व हम गुरु नहीं, हम लघु हैं। आत्मज्ञान के पश्चात, ध्यानाभ्यास के पश्चात जब आप आज्ञा चक्र में सहस्रार में पहुंच गए तो आप गुरु। इसे इस चक्र को कहते हैं गुरु चक्र, आज्ञा चक्र, सुदर्शन चक्र। जब तक कोई बंदा या इस चक्र तक नहीं पहुंचता है वो गुरु नहीं है, इसके नीचे लघु है। तो कहिए सभी लोग, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्र। विद एक्शन, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्र। और एक बार, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्र। जब तक कोई बंदा आज्ञा चक्र यानी गुरु चक्र यानी सुदर्शन चक्र तक नहीं पहुंचता वह गुरु नहीं, लघु है। अभी तक गुरु नहीं बना। सुदर्शन चक्र, जो सुदर्शन सत्य का दर्शन, हाईएस्ट का दर्शन नहीं पाता है तो वो गुरु नहीं। जब तक आपकी तीसरी आंख फटी नहीं, जागृत नहीं है, आप गुरु नहीं। देखो ये गुरु चक्र है, आज्ञा चक्र। गुरु आज्ञा देता है, यानी गुरु के मुंह से जो कुछ भी निकलते है वो आज्ञा है, आपका पालन करना है, उसे बहस नहीं होती, गुरु से बहस नहीं होती। इसीलिए इसे कहते हैं आज्ञा चक्र, ऑर्डर। हे किशन कन्या कोलकाता वाला, उठ जा, खड़े हो जा, बैठ जा, खड़े हो जा, बैठ जा।
यह है आज का चक्र। तालियां बजाइए स्वामी जी। यहां से यहां आपकी सत्य की प्राप्ति होती है, आप एक गुरु बनते हैं। यहां तक पाने जाने के लिए जो इसके नीचे हैं, इसके नीचे हैं, ये दोनों आंखें बंद करनी, ये खुले हुए रहते हैं तो ऊर्जा यहां से निकलती है, ऊपर कैसे जा सकते। जब नीचे के दरवाजे खुले हैं तो ऊपर के दरवाजा बंद होता है, परंतु जब नीचे के दरवाजे बंद कर लेते हैं तो ऊपर का दरवाजा धीरे 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 खुल जा सिम सिम हो जाए। ये जो दरवाजे हैं दो, ये बंद करनी है, फिर ये जो पिरामिड है इसके अंदर घुसना चाहिए और उच्छ्वास उच्छ्वास जय विजय वैकुंठ द्वार के पालक, जय विजय, जय विजय का जय जय का अर्थ हो श्वास उच्छ्वास का। और हम स्वयं नारायण हैं इस शरीर में विराजमान, हम अपने आप में तक पहुंचने के लिए आंखें बंद करनी चाहिए और सांसों के साथ एक होना चाहिए, तो धीरे धीरे ये हम ऊर्ध्वगामी हो जाएंगे, ऊर्ध्वगामी। तो ऊर्ध्वगामी होते होते हुए यहां हम आज्ञा चक्र को पास ऊर्जा भरते हैं, इधर की ऊर्जा इधर बढ़ जाती, इधर की ऊर्जा इधर बढ़ जाती, मौन के पालन से यहां से ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है यहां, और ना देखने की एक अभ्यास, यानी आंखें बंद करने की, और ना सुनने की, संगीत सुनो बस, जो संगीत नहीं है उसे मत सुनिए। आंखें बंद करने के लिए ये जो है बंद कर लेते हैं, मुंह बंद करने के लिए, कान के लिए कोई बंद करने नहीं है, हमेशा नलची देर नो आई लिड्स, there are no ear lids, there are eyelids are there, आंखें बंद करें, परंतु यह हमेशा सुनने के लिए, संगीत सुनने के लिए तालियां बजाएंगे। Your ears are always open, there's no point, there's nothing like closing, prakriti has given us, the nature has given, hey guy, you listen, but listen perfectly things, don't listen to idiotic things, keep on प्रवचन सुनते रहो, एक सीडी रखो, प्रवचन रखो, पंडित रविशंकर जी का, सितार रखो, बिस्मिल्लाह खान का रखो, और ध्यान में बंद हो जाइए, कान हमेशा खुले हुए, आंखें बंद, मुंह बंद, कान हमेशा खुले हुए, सो कीप ऑन लिसनिंग 24 आवर्स लिसनिंग ड्यूरिंग मेडिटेशन, नॉट ड्यूरिंग मेडिटेशन, 24 आवर्स म्यूजिक, और ऊर्जा इधर से इधर से इधर से ऊपर जाना, ऊपर यहाँ यह पट जाना, सुदर्शन चक्र। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतप। श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन से कही, हे अर्जुन, आप और मैं अनेक अनेक जन्म ले हैं, मैं तो सब कुछ जानता हूं, तू कुछ भी नहीं जानता है, क्योंकि तू लघु है, मैं तो गुरु हूं, तू आज्ञा चक्र तक नहीं पहुंचा, तू विशुद्ध तक है, तू तो एक परिशुद्ध आत्मा है, परंतु तू योगी नहीं है, मन के ऊपर काबू नहीं पाया, रो रहा है तू, गंडम को छोड़ दिया है, तू योगी बन, मैं तो योगीश्वर हूं, तू योगी बन। आप और मैं अनेक अनेक जन्म लिए हैं, मैं तो सब कुछ जानता हूं, मेरे भी बारे में और आपके भी बारे में, मैं मेरे बारे में सब कुछ जानूं तो क्या मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानूं? असंभव है। जब मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं जानूं, आपके बारे में क्या जानूं भला? और आपस में लड़ाई, झगड़ा, मारपीट, अत्याचार, परंतु जब मैं अपने आप को जान लिया हूं, मैं आपको भी पूर्णतः जान लिया हूं, तो झगड़ा कैसे संभव? अपने आप को जानने के लिए हमें गुरु बनना है। जब तक आप लघु हैं, आप अपने आप को नहीं पहचाने। हां, विशुद्ध चक्र में पहुंचे तो नरोत्तम है, परंतु नारायण नहीं बने।
नरश्रेष्ठ बनिए, परंतु नारायण यहां आप नारायण पहली बार एहसास लेते, हां भाई मैं भगवान हूं, हां भाई मैं तो अब जान लिया हूं मेरे बारे में, तो मैं गुरु बन गया हूं, आज तक मैं लघु था, आज से मैं गुरु हूं। इसे कहते गुरु चक्र। और एक बार मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्र। देखिए जो यहां हो जाता है सहस्रार में, वो जोकर कार्ड के जैसा होता है। पत्ते में जोकर कार्ड होता है, दो दो के साथ जोकर रखे वो भी दो होता है, दो तीन में चार होता है, जैक जैक में जैक होता है, किंग किंग में किंग होता है, ये रानी रानी रह में वो भी रानी होता है, बच्चों में बच्चों, योगी में योगी, पंडित में पंडित। तो हर जगह वो जोकर का निर्गुण कार्ड हो जाता है जो सहस्र है। सारे पिरामिड मास्टर सहस्रा के ही हैं। क्योंकि आप निर्गुण बन गए हैं, बार बार आपको शक आती है, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, क्या पहुंचा क्या। लोग आते हैं पिरामिड मास्टर्स, बड़े बड़े पिरामिड मास्टर्स, स्वामी जी क्या मैं पहुंचा क्या। अरे बाबा बहुत जन्म हो गया पहुंचे, नहीं तो ये उल्लू के पट्टे के पास कैसे आ सकते हैं आप। कोई मामूली बात है क्या ऐसा उल्लू के पत्ता के पास आने का और रहने का सहने का, किसी से किसी के बस की बात है क्या। नहीं, अगर मैं सहस्रार का हूं, जो लोग भी मेरे पास आए हैं तो वो भी सहस्रार के हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। तो पिरामिड मास्टर्स को हम जोरदार से तालियां बजाते हुए